एवरीवन। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि हम इंडिया आ चुके हैं अपने घर पर, और आज क्या स्पेशल है, आज है दिवाली। यस, तो आज हम मुस्कान, इस दिवाली पे मुस्कान बांटते हैं। तो चलो चलते हैं। तो फिर हम चले मिठाइयां लेकर खुशियां बांटने, और रास्ते में हमें दिखे बहुत सारे गन्ने, और फिर पापा जी ने हमें ये बताया कि ये छठ पूजा के लिए होते हैं। तो पापा जी, जो आप ये करते हो सबके लिए, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिले? इंस्पिरेशन तो हम लोगों को शुरू से ही मिली हुई है, मगर ये है कि अब हम समाज के लिए जो है अपने घर गृहस्थ से थोड़े से फ्री हो चुके हैं, और समाज के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी जो बनती है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम इन झुग्गियों में आते हैं। और ये जो लोग बेचारे अनाथ गरीब और जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है इनके सर पे, तो इन लोगों को हम भोजन और जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, इनको पढ़ाते भी हैं, और जहाँ से भी भोजन मिल जाए गरीबों के लिए, जहाँ से बचा हुआ या हम अपनी तरफ से या हमारे वॉलंटियर्स। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और पापा जी, कब से कर रहे हो आप ये? ये 5 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा। 5 साल से मैं रॉबिन हुड आर्मी के साथ लगा हुआ हूँ और ये समाज सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और जब भी आप ये, मतलब जैसे अगर किसी को मिठाई दे रहे हैं या फिर हम शिक्षा भी देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है जब इनके हाथ में हम कुछ देते हैं कोई, या तो इनको भोजन ला के देते हैं हम कहीं से बचा हुआ, या इनको किसी त्योहार वगैरह पे हम इनको कोई मिठाइयाँ या कोई सर्दी के टाइम में कुछ कंबल वगैरह इनको बांटते हैं, तो बांटने के बाद में जो इनके चेहरे पे मुस्कान आती है, उसको मुस्कान को लाने के लिए हमारा हमेशा मन करता है इन लोगों को खुशियाँ दें। स्पेशल हमने बहुत सी मुस्कानें बांटी हैं अपने चेहरों पे। बच्चे बहुत खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, और सब अपने तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिवाली को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद हम मिले अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से, और हम उनके घर उनसे मिल के आए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा। और इतनी प्यारी पोयम सुनने के बाद मन और भी खुश हो गया। उसके बाद घर आने पर मैंने बनाई रंगोली, और फिर हम तैयार हुए, दिए लगाए, मंदिर में गए और पापा जी के ऑफिस पे गए। वैसे ये जो लाइट्स मैंने घर पे लगाई थी, कितनी अच्छी लग रही है ना। पापा जी के ऑफिस पर दिवाली पूजन के बाद हम गए घर, और जहाँ पे हमने किया दिवाली पूजन और दिवाली सेलिब्रेट। तो ये सब पिक्स मैंने आपके लिए लगाई हैं ताकि आप देख सके कि हमने अपनी दिवाली कितनी अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की। तो गाइस, ये था हमारा दिवाली स्पेशल व्लॉग, और अब हम आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं। क्या है वो? अब हम मम्मी जी को उनका सरप्राइज देने वाले हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं दिया है, और ऑलमोस्ट हमारा दिवाली सेलिब्रेशन भी खत्म हो गया है, तो अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। तो ये तो देखना बनता है, राइट? हाँ। तो चलिए, अभी मम्मी जी सोने की तैयारी कर चुकी है, वो
वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं सोने, बट हम अब उन्हें सरप्राइज देंगे। वैसे सरप्राइज तो हमें देना था, लेकिन हमें शॉक लग गया क्योंकि मम्मी जी सो चुकी थी। हम मम्मी जी के लिए दुबई से गोल्डन बैंगल्स लेके गए थे। गोलू कैसा लग रहा है मम्मी जी के लिए कड़ी लेके? बहुत अच्छा, सब आप ही की वजह से है। बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्हें देखने पर मम्मी जी बहुत खुश हुई, और साथ ही साथ हम पापा जी के लिए भी एक गिफ्ट लेकर गए थे।